हेलो एवरीवन, मैं स्मिता सिंह फ्रॉम माय चैनल अमायराज फूड क्रेविंग। आज मैं आपको वड़ी का परांठा बनाना सिखा रही हूँ। वड़ी की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, पुलाव भी खाया होगा, मगर इसका परांठा बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर कभी जल्दी हो कुछ बनाने की तो आप इसका परांठा भी बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। लेट्स स्टार्ट। ये है पंजाबी वड़ी, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ना ज़्यादा बारीक किया है ना ज़्यादा मोटा रखा है, दरदरा किया है। नमक, प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ। अब हम एक कांच का बाउल लेंगे, उसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। अब इसमें वड़ी डालेंगे, जो कि हमने मिक्सी में ग्राइंड करके रखी थी। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंगली, कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आटा लेंगे, जो मैंने पहले से फ्रिज में गूंद के रखा था। इसकी हम छोटी छोटी दो लोई बनाएंगे। इस तरह से हम एक छोटी सी लोई, मैंने छोटी सी लोई ली है, अब इसको मैं वेलूंगी, जैसे पूड़ी को बेलते हैं। हल्के हल्के हाथों से लोई को बेलते जाएंगे। फिर हम इस पे घी लगाएंगे, घी या ऑयल, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी लोई बनाई है, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही बेलना है। आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप लोई को बेल रहे हैं वो सेम साइज की ही बेलना है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब इस पे भी हम घी लगाएंगे। इसके बाद जो मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ था वड़ी का, वो डालूंगी लोई में, चारों तरफ अच्छे से फैला के मिक्सचर डालूंगी। मिक्सचर को अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। अब इसके बाद जो दूसरा पेड़ा बना के रखा था, जो बेल के रखा था, उसको इसके ऊपर डाल देंगे। कॉर्नर से अच्छे से दबा देंगे ताकि मिक्सचर बाहर ना आए। अब चकले पे थोड़ा थोड़ा आटा लगा के परांठे को बेलेंगे।
अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। तवा मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। गैस को मीडियम फ्लेम पे करना है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना लो। अब फिर से ऑयल अप्लाई करेंगे। और परांठे को पलट लेंगे। परांठे को तब तक सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हमारा परांठा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। वड़ी का परांठा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसको दही के साथ या बटर के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक यू।